अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कराते रहें, इस नेक दुआ के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज बारिश भी है, मौसम भी बहुत ठंडा है, तो मैं अपने किचन गार्डन में कुकिंग कर रही हूँ, आपके साथ शेयर भी करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने कढ़ाई में ऑयल डालूंगी। बहुत मजे मजे की कुकिंग कर रही हूँ, पार्टी हो रही है। आज मैं अपने फेवरेट दाल बनाई हूँ, दाल मसूर, तो आपके साथ शेयर भी करूँगी। ये वाली दाल मैं आज बना रही हूँ क्योंकि हम ये बहुत शौक से खाते हैं। ये वाली दाल मसूर की दाल है, ये मैंने भिगो के रखी है। अब थोड़ा सा मेरा ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसूर की दाल में जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, छोटे साइज़ का आपने प्याज लेना है, हरी मिर्च लेनी है और लहसुन का पेस्ट लाजमी है दाल में। अगर लहसुन नहीं होगा तो बिल्कुल ही जायका नहीं बनेगा। अगर आपने दो प्याज कर दिए तो जायका ख़राब हो जाएगा दाल का। ये मसालों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। कोई कोई मेरी बहनें तीन चार चार प्याज डाल देते हैं प्याज उसमें दाल में, तो उसका जायका जो होता है मीठा मीठा हो जाता है, तो वो बिल्कुल बेकार सी दाल बन जाती है। तो मसालों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहना, ये टेक्निक है दाल पर बनाने की। टेक्निक की तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो देना है क्योंकि फिर दाल मज़े की नहीं बनती है। तो माशाल्लाह मैं ये वाला आपको टेक्निक इसलिए बता रही हूँ कि दो दो तीन तीन प्याज दाल में अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं आपके जब मसाले डालूँगी वो भी आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने ऐड कर दिया है, लहसुन थोड़ी सी देर बाद में डालूंगी। थोड़ी सी मैं इसको अच्छी तरह इसकी गोलाई कर दूं, फिर मैं डालूंगी। तो आज मैं अपनी गार्डन की मेथी अपनी दाल में शामिल करूँगी। पहली दफ़ा मैं अपनी मेथी जो है ना अपनी गार्डन से कटाई करूँगी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि अपनी मेथी जो है, जो मैं दाल बना रही हूँ उसमें अपनी मेथी डालूँगी अपनी गार्डन की। मैं चंद ही जो है पौधे वो तोड़ूंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो माशाल्लाह ये मेथी है, जो कसूरी मेथी होती है वो है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेथी मैंने तोड़ दिया है, इतनी काफ़ी होती है। मैं आखिर में जब दाल मेरी तैयार हो जाएगी तो मैं ये उसमें शामिल करूँगी। तो आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने अपनी गार्डन से मेथी तोड़ी है। अभी दाल मेरी तैयार हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अपने गार्डन में काम करके मुझे बहुत आज सुकून मिल रहा है कि अपनी गार्डन में मैं किचन का काम भी कर रही हूँ
अपने पौधों को भी देख रही हूँ कि आज मेरे पौधे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे उसी तरह मेरा गार्डन भी खूबसूरत होता जाएगा। तो इसी तरह मैं अगर अपनी ना मेहनत करूँगी तो इसी तरह मेरा गार्डन जो है ना हर चीज़ में मेरी अपनी गार्डन में हो जाएगी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कुछ फल तो मुझे आज मिल गया है। तो ये साग जो मेरा लगा है ये भी एक दिन मैं तोड़ूंगी, फिर साग भी बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और इसी तरह मैं खूबसूरत वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपकी सपोर्ट की बहुत मुझे ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊँगी, सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। तो आपने लाजमी मेरा सपोर्ट ज़रूर करना। लहसुन शामिल कर दूंगी। तो एक दिन मैं अपना लहसुन भी तोड़ के डालूंगी। अभी इसकी थोड़ी सी बुनाई हो जाए ना, फिर मैं मसाले ऐड करूंगी। है ना काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो गया है। जब मैं दोबारा कोई चीज़ बनाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं अपना लहसुन भी तोड़ूंगी। माशाल्लाह ये दो पत्ते हो गए हैं। तो जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है ये बड़े होते जाते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है तो बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है आज मुझे अपने किचन गार्डन में। ये मेरा आलू का पौधा बहुत काफ़ी हो गया। अच्छा, जो मिस्टेक हुए थे मेरे आलू के वो भी निकल आए हैं, दरमियान दरमियान वो सामने निकल आए। मैंने कहा कि ये नहीं निकले, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, देखो सारे निकल आए हैं, ये जगह फुल भर जाएगी। और धनिया भी मेरी माशाल्लाह का एक मिस्टेक हुई है जहाँ जाते ही, लेकिन काफ़ी बेहतर है, हो जाएगी ये माशाल्लाह। तो बुनाई हो गई है प्याज और लहसुन की। अब मैं मसाले आपको बताऊंगी मैं क्या क्या डालूंगी। मसाले मिर्च है अपने जितने आप ले, दो चम्मच भी डाल सकते हैं, एक चम्मच, क्योंकि जितने लोग पसंद करते हैं, कोई तीखा खाते हैं, कोई इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो एक चम्मच डालूंगी। मैं चटपटा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, चटपटा डाल हो तो मज़े आती है। नमक भी हंस पे जैका डालना है, हल्दी थोड़ी सी डालनी है और इसमें डालना है हरी धनियों का पाउडर, ये सूखी धनिया है मसलन, और कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी मैं शामिल करूंगी, और गरम मसाला जो है ना साबुत थोड़ा सा डालूंगी। इसमें हर चीज़ शामिल है, खाली मिर्च ही शामिल है। तो बस इतनी बस मसाले में ऐड करूंगी इसमें। बुनाई हो गई है, ये आधी हरी मिर्च है ना मैं बाद में शामिल करूंगी, ये मैं यहाँ पे अलहदा कर लूंगी और कुछ मैं डाल दूंगी, क्योंकि इसका जो ग्रीनी जो है ना इसके इसमें शामिल हो जाएगी तो फिर बहुत मज़े की दाल बनती है। ये सामान मैं बाद में ऐड करूंगी। अच्छा, मिट्टी की कढ़ाई में ना दाल बहुत मज़ा करती है, क्योंकि मैं दूसरे चूल्हे पर काम करती हूँ, लेकिन मिट्टी की कढ़ाई में जब मैं दाल बनाती हूँ ना तो उसका जायका कुछ और होता है। तो ये कढ़ाई जो है ना मैंने स्पेशल ना इन चीज़ों के लिए ली है। मिट्टी की कढ़ाई में जो चीज़ भी बनाए ना वो मज़े की बनती है। लास्ट में नहीं है कि दाल है, अगर इसमें गोश्त वगैरह बनाए ना तो वो भी।
बहुत मजे की बनती है। साथ में बनाऊंगी फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अब इसमें मैं दाल ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना भिगो के रखी हुई थी ना, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, फिर बुनाई करके फिर पानी देना। अब थोड़ी सी इसकी बुनाई करते ना, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, फिर वो ना दाल बहुत अच्छी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीनू मीनू मेरे आ गए हैं, बाहर आ गए हैं बारिश में। मीना अभी यहाँ पे बैठ रहा हूँ मैं आपके के लिए ना, कोई मजे मजे की चीज़ तोड़ती हूँ अपने किचन गार्डन से। छलांग नहीं लगानी है। अच्छा ये बड़े वो करते हैं, गीली चीज़ नहीं खाते हैं, खाओ मजे मजे की है, नहीं छलांग नहीं लगानी है। ओए कितना प्यारा लगता है, ये मेरा चीना है चीना। मैं इसके साथ लाडियाँ करती हूँ छोटे बच्चों की तरह, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। मीना तुम शायद ना करो, लो खा लो। नहीं नहीं जाना नहीं है, पाँव सारे गंदे हो जाएंगे, आज बारिश हुई है कीचड़ है, खाओ मजे मजे की। मीना खाओ ना, क्यों क्या कर रही हो, देखो चीना खा रहा है, खाओ चलो बस। ये घबराए हुए है ना, बारिश हुई है मीठ मुन। अच्छा ये इसको बिठाती, चलो ये नाराज हो रही है कि मैं नहीं बैठी ऊपर, बैठ जाओ तुम्हें भी खिलाती हूँ, खाओ खाओ, दखल ना करो। ये डरपोक सी है ना। नहा चीनू बैठे रहो, छलांग नहीं लगाना, पाऊंगा मेरी किचन गार्डन में। प्योर भी ये ज़मीन हमारे, हम पहले भी तैयार कर चुके थे लेकिन आज बारिश हुई है तो बारिश में ज़मीन गीली होती है तो लहसुन जो है ना आराम से इसमें लग जाता है। तो आज फिर मैंने सोचा कि आज लहसुन भी लगा लेते हैं, ये जगह भी हम लहसुन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने मटर लगाई थी, आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताई थी, मटर जो है वो कामयाब नहीं हुए, उसको कीड़ा लग गया था, वो मैंने हटा दी है ज़मीन, मैंने फिर दोबारा से वो कली सेट कर दिया। तो अब मैं ये लहसुन जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह इसका भी मोटा मोटा लेके आई है, तो इसकी भी भाई बिजाई अब करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन जो है बत्तर में है, तो ये साथ ही इसमें आगे लगवाएंगे। तो फिर मैं शेड करती हूँ, जैसे मैं आपको लगा तो ज़मीन तैयार करती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी दाल तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े की है। इसको ज़्यादा गाढ़ा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जब ज़्यादा वो गाढ़ा हो जाती है तो फिर मज़े की नहीं बनती है, ये जब ठंडी होगी तो इतनी ये काफ़ी होती है। तो अब इसमें मैं हरी मिर्च और ये जो मैंने मेथी काट के रखी है, ये ज़बरदस्त जायका बनाने वाली है ये जो मेथी है, क्योंकि कसूरी मेथी जो है ना खुशक भी डाले ना वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो आज मैं जो है ना फ्रेश अपनी गार्डन की डाल रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तैयार हो चुकी है मज़े मज़े की दाल मेरी। बस इसको मैं दम पे रख रही हूँ, बस ये हांडिया जो है ना मेरी गर्म है, क्योंकि मिट्टी की हांडी जो एक दफ़ा गर्म हो जाती है ना तो काफ़ी देर तक ये गर्म रहती है। अब मैं इसको दम पे रखती हूँ, मेरी दाल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल वाली बटन को प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इस दुआ के साथ अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर करम करे फजल करे, अल्लाह ताला हम सबको रहमतों के साए में रखे। बहुत सारे दुआओं के साथ जेब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।